सब क्या है? सब देता हूँ। गोर तो एक तो गोर तो था, गोर है। वो क्या है सर? बकरा। WWE Universe India, मैं गेनर मेंडोसा और WWE Now India के एक बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। खास क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं हूं जलंधर में और मेरे साथ है WWE Hall of Famer, The Great Khali। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। बस वेरी गुड। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम आपके साथ खेलेंगे सुपरस्टार्स की पाठशाला। सर बड़े बड़ों, सर बड़े बड़ों को आपने हराया है। हाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं। तो सही बात है, मुझे इस पे बहुत नर्वस लग रहा है क्योंकि इसको पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपके साथ। वेल, ये गेम तो हम गोल्डबर्ग बहुत सारे लोगों के साथ इनफैक्ट हम खेल चुके हैं। अच्छा। जहाँ पे हम उन्हें इंडिया के बारे में काफी सारी नई चीजें सिखाते हैं। अच्छा। लेकिन अब हम आपको तो ये नहीं सिखा सकते, तो हमने सोचा हम आपको इस जमाने के नए जो इंटरनेट सेंसेशन स्लैंग्स होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं वो आपको हम सिखा देंगे। क्या आप तैयार हैं? वैसे तो आप इंटरनेट सेंसेशन ऑलरेडी हो, आपके जितने सारे रील्स हैं और वीडियोस हैं वो देखकर तो पूरा इंडिया बिल्कुल पागल हो चुका है, बहुत ही एक्साइटेड हो चुका है। तो कैसा लगता है? आप देखते हो मतलब? मैं तो आपकी सबसे बड़ी फैन। अच्छा जी, थैंक यू सर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उसके साथ साथ उसके चार ऑप्शंस होंगे। हाँ, ऑप्शन। ठीक है, तो आप मुझे गेस करके बताइए कि चारों ऑप्शंस में से सही मीनिंग इस वर्ड का क्या हो सकता है। राइट, तो सबसे पहला वर्ड है गोट। ठीक है, गोट वर्ड है और ये है आपके चार ऑप्शंस। क्या इसका मीनिंग है? गॉड ऑफ अ टास्क, गिफ्ट ऑफ अ टाइटन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या फिर गिव ओटिस अ टैंक। फिर से सुना दो। गॉड ऑफ अ टास्क, गिफ्ट ऑफ अ टाइटन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या फिर गिव ओटिस अ टैंक। सर गॉड आपके हिसाब से क्या है? सर गॉड तो एक तो गॉड होता है, गॉड है। वो क्या है सर? बकरा। तो ये तो नॉर्मल मीनिंग हुआ, लेकिन ये नए जमाने का गोट वाला मीनिंग क्या हो सकता है? गोट इज अ टैंक। सर गलत जवाब है सर। गलत है सर। सही जवाब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगला वर्ड है लिट। लिट, ठीक है, तो आपके ये है चार ऑप्शंस। क्या इसका मीनिंग है? कोई ऐसी चीज जो बहुत एक्साइटिंग है, बी WWE Hall of Famer Lita का निकनेम है, सी क्या ये लिटरेचर का शॉर्ट फॉर्म है या फिर डी सबसे लाइटेस्ट मटेरियल? लिट। सर श्योर? पक्का? पक्का। सर फिर से सोच लीजिए। सर इसका सही जवाब है जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग या फिर कूल हो उसे कहते हैं लिट। Yes, this party is lit. Okay, amazing. जब आप अगली बार पार्टी में जाएंगे आप कह सकते हैं this party is lit. अगला है OMG. इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ओनली माई गैंग, ऑप्शन बी ऑफन मिस्ड गोल्स, ऑप्शन सी ओ माई गॉड या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यू गॉट दिस राइट सर। ये सही है सर, इतनी खुशी। ओके सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने। सॉल्टी। सॉल्टी का मीनिंग क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस ये हैं: एक एक चिड़चिड़ा इंसान, बी बहुत ही स्मार्ट इंसान, सी बहुत ही नमकीन डिश या फिर डी एक रिलैक्स्ड इंसान। इसे बता दो। ए एक चिड़चिड़ा इंसान, बी एक स्मार्ट इंसान, सी एक नमकीन डिश या फिर डी एक रिलैक्स्ड इंसान। सॉल्टी। सॉल्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है आज के जमाने में?
आंसर बताओ उसका क्या था सर. ए एक चिड़चिड़ा इंसान, बी एक स्मार्ट इंसान, सी एक नमकीन डिश, या फिर डी एक रिलैक्स्ड इंसान. रिलैक्स सेंटेंस बताती हूँ, मैं एक सेंटेंस बताती हूँ तो आप उस हिसाब से आप फिर फिगर आउट कर सकते हैं. केविन ओवेंस हैज बीन रियली सॉल्टी ऑफ लेट. केविन ओवेंस हैज बीन रियली सॉल्टी ऑफ लेट. हाल ही में केविन ओवेंस बहुत ही सॉल्टी बन गए. सर मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्टी का मीनिंग है एक चिड़चिड़ा इंसान. चिड़चिड़ा, वो बहुत ही मतलब इरिटेट हो जाता है या फिर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसे कहते हैं एक सॉल्टी इंसान. केविन ओवेंस हैज बीन रियली सॉल्टी ऑफ लेट. जो आप और मैं बिल्कुल भी नहीं, वी आर नॉट सॉल्टी पीपल. यू आर वेरी गुड पर्सन सर, आई एग्री.